बढ़ती जा रही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिले इस उद्देश्य को लेकर नगर पंचायत पागबड़ा के मोहल्ला शनिवार का बाजार जामा मस्जिद के सामने पागबड़ा के युवाओं के एक संगठन ने शीतल मीठे जल का वितरण शिविर लगाकर राहगीरों को शीतल एवं मीठे शरबत का वितरण किया। युवाओं द्वारा किए गए इस कार्य की पागबड़ा में और हर तरफ तारीफ हो रही है। बादे जुमा पागबड़ा के जामा मस्जिद के सामने शनिवार के बाजार में लगाए गए शीतल जल वितरण शिविर में लोग गर्मी से बचने के लिए शीतल जल पी रहे थे और शीतल जल वितरित करने वाले युवाओं को दुआएं दे रहे थे। पागबड़ा के इन युवाओं का यह कहना है कि लगभग एक सप्ताह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज जुमे का दिन था, नमाजी नमाज के लिए आ रहे थे और राहगीर भी लगातार इस रास्ते से निकलते हैं, तो उनके मन में आया कि क्यों ना एक शीतल जल मीठा शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसके चलते युवाओं के एक दल ने आपस में चंदा एकत्रित करके शीतल जल वितरण कार्यक्रम करते हुए राहगीरों एवं नमाजियों को शीतल एवं मीठे शरबत का वितरण किया। जामा मस्जिद के सामने आयोजित शीतल जल वितरण कार्यक्रम में राहगीरों को पानी पिला रहे युवाओं से जब बात की गई तो युवाओं द्वारा कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। ये मतलब आज जुम्मे का दिन था तो हमारे सोच साहब है और कुछ मतलब मोहल्ले बस्ती के कुछ लोग हैं, तो शिद्दत की गर्मी होने के वजह से जो लोगों ने शरबत का इंतजाम किया और मतलब जो लोग हैं रास्ते में आने जाने पर वाले जो लोग हैं जो मुसाफिर हैं उन सभी को मतलब यहाँ पर शिकंजी पिलाने का क्या मन में क्या रहा था, क्यों मतलब इस तरह लगातार आप भी देख रहे हैं मतलब दो महीने से लगातार कंटिन्यू मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का एहसास है, इस वजह से जो है ना लोगों ने एक सोच बनाई। तो यहाँ पर ये था कि मतलब अगर कुछ अगर गंजी वगैरह पियेंगे तो थोड़ा कुछ राहत होगी, कुछ सुकून होगा, कुछ चैन मिलेगा। कैसे इंतजाम करा आप लोगों ने? बस ऐसे एक मन बनाया था, तो बाढ़ साथ आ रहा है।